तो फ्रेंड्स ये मेरे पास एक ऐसा बॉक्स था, ये एक छोटू सा बॉक्स, इसमें लिपस्टिक थी और सारा खोल के मैंने इसमें रख लिया है। एक ये बड़ा सा है, एक और ऐसे ही बड़ा आया था, मैंने तीन बार में मंगवाया था। तो ये देख सकते हैं कुछ सामान ऐसे, कुछ अभी पैक है, कुछ अभी ओपन कर लिया है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है। लेट्स सी, तो एक ये मैंने मंगवाया है लॉरियर का हेयर सीरम। तो ये है हेयर सीरम, अपने बालों के लिए मैंने मंगवाया है लॉरियर का। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 80 ml की है। और इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये है, मुझे ठीक लगा इसका रिजल्ट, बाकी आप लोग बताना। अभी कल ही यूज़ किया था मैंने, तो मुझे ठीक लगा, तब मैंने खोल के पहले यूज़ किया कि कल हेड वॉश किया था तो इस वजह से। तो ये मंगवाया है एक, और इसके बाद मैंने मंगवाई है ये स्टे क्वर्की की, ये लिपस्टिक शेड नंबर है इसका, शेड नंबर 8 है, नॉन ऑब्जेक्टिबल शेड नंबर 8, ये देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने मंगवाया है इन वॉक अप लाइक दिस शेड नंबर 3, एक ये है स्टे क्वर्की की। मैं इसकी इनर पैकेजिंग की बात करूं तो ये देख सकते हैं छोटू सी पैकेजिंग है, ये वाली लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है। तो लेट्स सी, देख सकते हैं, और बहुत अच्छी लगी मुझे ये वाली, बट मैंने शेड कुछ और सोच के मंगवाया था, बट आई न्यूड है, बट ये भी बहुत प्यारी है लिपस्टिक। तो इसके बाद मैंने ये मंगवाया है, एक शेड नंबर 8 है, ये मेरी फ्रेंड ने मंगवाया है। और इसमें बस हल्का सा फ़र्क है शेड नंबर, इसकी बात करूँ 3 और शेड नंबर 8, ये ऑब्जेक्टिवल शेड नंबर 8 है, ये मैंने अभी लगाई नहीं है क्योंकि मेरी फ्रेंड की है, तो इसलिए एक ये मंगवाई थी। इसके साथ ऑफ़र बहुत अच्छा था, एक के साथ एक फ्री थी लिपस्टिक के साथ, तो हमने ये मंगवाई है। और इसके बाद और भी लिपस्टिक्स मंगवाई हैं, ये भी है स्टे क्वर्की की लिपस्टिक्स, ये रही, और ये वाली है गोल्ड डिज़ायर शेड नंबर 5 स्टे क्वर्की का, गोल्ड डिज़ायर, हाँ गोल्ड डिज़ायर शेड नंबर 5। और ये है स्पाई गर्ल शेड नंबर 14। तो एक ये मंगवाया है, इसकी इनर पैकेजिंग की बात करते हैं गोल्ड डिज़ायर की, तो ये इसकी पैकेजिंग देखते हैं, ये वाह कितनी अच्छी छोटी सी पैकेजिंग है, और ये रेड कलर है, हॉट रेड है, ये भी कलर बहुत प्यारा है। तो एक ये मंगवाया था, और इसकी मैंने अभी खुला नहीं है, खोल के दिखा देती हूँ मैं आपके सामने, खोल देती क्योंकि ये मेरी फ्रेंड की है ना, तो खोला नहीं था मैं, खोल के दिखा देती हूँ आपको, एक ही खोल के देखी थी। तो इनकी पैकेजिंग ना छोटी छोटी सी, ये बहुत अच्छी है कि हाँ आपकी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाकी हम बड़ी बड़ी लिपस्टिक ले लेते हैं ना तो वो ख़त्म नहीं होती, वो हमारी वेस्ट जाती है, सॉरी। तो इसे मैं खोलती हूँ, ये देखते हैं, ये पिंक शेड में है और ये शेड नंबर 14 है, ये भी बहुत अच्छी है, छोटू सी पैकेजिंग है, बहुत अच्छी है। एक के साथ एक ये भी फ्री थी, तो जब ऑफ़र चल रहा था तो हमने 4 लिपस्टिक्स ख़रीद ली हैं। फिर इसके बाद मैंने काजल, ये मेरे पहले ही व्लॉग में देखा होगा कि ये मैं काजल मंगवाती रहती हूँ, इतना प्यारा लगता है ना ये वाला, कि मैं ऑलरेडी एडवांस में मंगवा के रख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास छोड़ते ही नहीं है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये बेला वेस्टा का काजल है, बहुत अच्छा वाटरप्रूफ है और काफ़ी देर तक आपकी आइज़ में टिका रहता है। अभी भी मैंने वही लगाया हुआ है, तो देख सकते हैं बिल्कुल फैला नहीं है। और ये मैंने 2 मंगवाए हैं, ये भी चल रही थी सेल तो ठीक ठाक रेंज में पड़ गया था, तो ये मंगवाया है। इसके बाद मैंने टोनर मंगवाया, ये भी मेरी फ्रेंड का है टोनर, तो ये इसने मंगवाया है, ये मैंने खोला नहीं है तो मैं खोल के नहीं दिखाती। तो ये मंगवाया है मैंने ग्रीन एप्पल ग्लो टोनर, ये एप्पल सा ग्रीन एप्पल का है ये। और इसके बाद एक ये है रोज सिप का
ये देख सकते हैं, ये पैकेजिंग भी देनी है किसी को, तो इस वजह से ये रोज़ सिप की वो है फेस सीरम। ये इसका रिव्यू मैंने पूरा डिटेल डाला हुआ है कि मैं यूज़ करती हूँ इसको, इसका टोनर भी यूज़ करती हूँ और प्लस इसका फेशियल ये फेस सीरम भी यूज़ करती हूँ। इसका फुल डिटेल फुल रिव्यू डाला हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो देख लेना। और ये किए मंगवाया है। इसके बाद है ये गुड वाइब्स का चारकोल फेस मास्क है, तो ये देख सकते हैं पैकिंग है इसलिए खोल नहीं रही हूँ मैं। एक ये मैंने मंगवाया है, ये भी फ्रेंड का है और ये भी फ्रेंड का है, तो ये दो चीज़ फ्रेंड की हैं। इसके बाद हमने काजल, ये NYBA की काजल, ये आपने देखी होंगी न्यूड कलर में आती हैं और हमने 4 मंगवाई हैं, तो एक तो मेरी है, 2 मेरी फ्रेंड की है और एक मेरी ये भी फ्रेंड की है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो भी इन्होंने मंगवाया है ये ऑलरेडी मेरे पास कलर हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे पास ये कलर कौन कौन से हैं तो मैं आपको कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी और मैं आपको पूरी पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगी उस पर कि मेरे पास कौन कौन सी हैं। हाँ, आप आई मेकअप सिमरी आई मेकअप करना चाहते हो और लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हो तो ये ठीक है, अफोर्डेबल भी है और मुझे ठीक लगती है। बाकी पता नहीं, अफोर्डेबल में अगर आई मेकअप करना चाहो ऑल ओवर लेस लाइन में चटाक धकाक वाला ना, ऑल ओवर लेस लाइन में काजल लगाना चाहो ना तो आप बहुत अच्छा लगा सकते हो, इसे आईलाइनर भी लगा सकते हो। तो मैंने शेड लिया है ग्रीन, ये मैंने पर्सनली अपने लिए भी ग्रीन लिया है एक ये, और नेवी ब्लू और एक वाइट काजल ऑलरेडी मेरे पास है न्यूड कलर में, सॉरी वाइट काजल है न्यूड में नहीं है सॉरी, ये तो एक ये ख़रीदा है और ये वाला वाइट है, ये वाला वाइट है और ये है ब्लू, क्योंकि उन्होंने मेरा देखा था तो उनको अच्छा लगा तो कहते मेरे लिए भी मंगवा देना तो मंगवाया है वो, तो एक ये ब्लू है और फिर वो ग्रीन है। तो ग्रीन मैंने 2 मंगवाए हैं, एक ब्लू है और एक वाइट है, तो ये 4 हैं और मेरे पास ऑलरेडी ये वाले कलर पड़े थे, ग्रीन नहीं था तो मैंने इसलिए मंगवाया है। बाकी और आगे देखूंगी कि मंगवाने को सोचूंगी, तो एक ये है। और इसके बाद मेरे को मैंने ये मंगवाया है पर्पल से आईलाइनर, इसका एप्लीकेटर देखोगे ना वाव, ये देख सकते हैं आईलाइनर का एप्लीकेटर पर्पल का है। और इसका एप्लीकेटर की बात करूं तो ये गन बेस में है और स्केच में है, तो थोड़ा सा छुआ के लगाऊंगी, देखो कितना पतला कितना मोटा, जैसे मर्जी। और हाँ, ये वाटरप्रूफ है, इतनी जल्दी नहीं जाता है, पानी से धो लो तो इतनी जल्दी नहीं जाता है ये वाला, और मुझे ठीक लगा ये। बाकी देखिए अभी सूखा नहीं है, सूख जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कई स्केच होते हैं ना जो चला जाए, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ट्रांसफ़र प्रूफ है, कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, देख सकते हैं बिल्कुल नहीं हाथों में लग रहा। और अच्छा है, मैंने कल देखा था जब मैंने खोल के, तो बबल रैप में इनकी पैकेजिंग थी तो मैंने सभी कल खोल लिए थे, और क्योंकि पता ही आपको क्योंकि बबल रैप में आते हैं ना, खोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट इनका हालत है कि अभी तक मैंने जो भी मंगवाए हैं प्रोडक्ट, अभी तक कोई भी मेरे पास क्रैक या कोई भी डिफेक्टिव नहीं मिला है, और आगे ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है। और इसकी पैकेजिंग यार बहुत अच्छी होती है पर्पल की, और बहुत अच्छा सामान लगा मुझे, हालांकि मुझे स्केच ये आईलाइनर बहुत प्यारा लगा, अगर आप हो सकते हैं तो आप ले सकते हो, बट ये अफोर्डेबल नहीं है, ये इतनी सी है ये, और इसकी प्राइस की बात करें ये 800 की है, 800 की है, 799 की है, डिस्काउंट चलता रहता है, बाकी आप चेक कर लेना। तो ये मंगवाया है, तो आई होप को ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।
और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो, इतने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। बनाती किस लिए हूँ, वीडियो देखने के लिए तो बनाती हूँ। प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।